मैं जब रेडियो पर प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ छोटी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, जिसके कारण प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने वाले टेक्नीशियन मुझसे उस गलत वाक्य या शब्द को दोबारा रिकॉर्ड करने को कहते हैं। लेकिन जब आप सब उस कार्यक्रम को सुनते हैं तो वह बिल्कुल सही होता है और उसमें कोई भी गलती नहीं होती है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ कि कुछ महीनों पहले मुझे अपनी कुछ गलतियों वाली रिकॉर्डिंग सुनाई गई, जिसको सुनकर मैं खूब हंसा। मेरे टेक्नीशियन ने मुझसे कहा कि यह रिकॉर्डिंग उन्होंने मुझे सिर्फ सुनाने के लिए रखी है, जिसको सुनकर मैं वह गलती कभी दोबारा ना करूं। यह मेरे लिए एक शिक्षा के समान था। मत्ती 12:36-37 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। मित्रों, परमेश्वर हमारा न्यायी है और उसके पास हमारी हर बात का, जो हम कहते या करते हैं, उसका लेखा है, और इन्हीं बातों के कारण हमारा न्याय होगा। इसलिए अपने आप को पवित्र रखें और कोई भी ऐसी बात ना बोलें या करें जिससे आपको परमेश्वर के सामने न्याय के दिन खड़ा होने में शर्मिंदा होना पड़े।